वेलकम टू माय चैनल मम्मीज किचन क्राफ्ट। तो चलिए आज हम बनाएंगे खीर या दूध पाक, अब जो भी कहो। भादरा महीने में इसे हम बनाते हैं। वैसे तो सारा साल ही बनती है, लेकिन इस महीने में इसका अलग महत्व है। और आज हम बनाएंगे कुकर में खीर। सर्वप्रथम हमें दूध में चावल भिगा दिए थे, जो तकरीबन आधी कटोरी थी। वो 10 मिनट भिगाने के बाद हमने जो 2 लीटर दूध गर्म करके रखा था उसे कुकर में डाल के चावल के साथ मिला के एक सीटी लगा लीजिए। एक सीटी होने के बाद चावल पक जाएंगे। उसको जो पकाने के लिए हमको आधा पौना घंटा लगता है वो हमारा पूरा बच जाएगा और 5 मिनट में चावल पक जाएंगे। उसके बाद हमें आगे की प्रोसीजर करनी है। केसर को गर्म दूध के अंदर भिगा के 5 मिनट रहने दीजिए, उसके बाद उसे डाल दीजिए। अभी आप धीमी आंच पे गैस चालू रखिए, दूध और गाढ़ा होता जाएगा। अब थोड़ा सा दूध, आधी कटोरी दूध चावल के साथ अब निकाल के रखिए। उसे भी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीसने के बाद इसे दूध के अंदर मिलाना है। अभी खीर को धीमी आंच पे उबलने दीजिए, तब तक हम दूसरा काम करते हैं। अभी ड्राई फ्रूट्स को, एक कटोरी ड्राई फ्रूट्स को निकाल के हमें कढ़ाई में सेक लेना है। थोड़ा सा रोस्ट हो जाए उसके बाद उसे मिक्सी में पीस के उसे भी दूध में डालना है। इससे भी हमारी खीर गाढ़ी होती है और ये प्रोटीन से भरपूर ड्राई फ्रूट्स का भी हमें फ़ायदा मिलता है। आज हम कैरेमलाइज खीर बना रहे हैं। तो कैरेमलाइज खीर के लिए सबसे पहले हमें चीनी को गर्म करना होता है। चीनी को हम गर्म करेंगे तो कोई पानी या घी कुछ भी नहीं डालेंगे, उसे धीरे धीरे पिघलने देंगे। इस तरह से चीनी को कैरेमलाइज करने से खीर का कलर बहुत ही बढ़िया आता है, वो आप बाद में देखेंगे तब पता चलेगा। कैरेमलाइज चीनी को अभी हम खीर के अंदर डालेंगे। खीर के अंदर डालते ही ये जम जाती है। थोड़ी देर के बाद ये हिलाते हिलाते अपने आप ही मेल्ट हो जाती है। अभी खीर थोड़ी देर उबल रही है, तब तक मैं खीर खाने के फायदे भी बता देती हूँ। खीर खाने से बुखार नहीं आता। भाद्रपद पक्ष की खीर खाने से पितृदोष और चंद्रदोष भी दूर होता है। खीर में ड्राई फ्रूट डला होता है, इसलिए वो भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। खीर खाने से पेट और श्वसन संबंधी बीमारियां भी दूर होती है। इस सीजन में कफ और पित्त को समन करने के लिए भी खीर को खाया जाता है। ये सारे फायदे जानने के बाद अब आप खीर जरूर बनाएंगे। हमारी खीर तकरीबन हो गई है, तो अभी हम इसमें थोड़ी मलाई ऐड करेंगे, क्योंकि मलाई से इसमें और रिचनेस आती है। अभी हमारी खीर पूरी तरीके से तैयार है। इसमें आप इलायची और जायफल डाल के सर्व कर सकते हैं। मेरी खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी रेसिपी के आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो याद रखिए, लाइफ बहुत ही सुंदर है। लाइफ का हर एक दिन सेलिब्रेट करते रहिए और खाते रहिए और बनाते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।